हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज ईद का दूसरा दिन है और अभी हम आ चुके हैं शिकारपुर के। अभी हम मौजूद है शिकारपुर में और अभी चलते हैं यहाँ से चीज लेने के लिए। ये आप देख सकते हैं यहीं पर आज हम घूमेंगे भी सही तो आपको भी दिखाएंगे। तो गाइस ये शिकारपुर का मेन चौक है, ये सदर चौक है। तो भी यहाँ पर हम घूम रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। तो अभी चलेंगे पार्क वगैरह तो और भी ज्यादा मजा आएगा। चलेंगे का तीन। हम तीनों चलेंगे ना। तो गाइस अभी हम घूमते घूमते अभी आ गए जहाज चौक, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखें ये एरोप्लेन यहाँ पे खड़ा है का इस तरफ से अंदर से जाने का गेट है लेकिन वो गेट अभी बंद हो गया है, ये आप देख सकते हैं। ये गेट अभी बंद है तो अंदर नहीं जा सकते। हाँ ना, तला घुस जाएगा इसलिए इन्होंने बंद कर दिया है। तला तू अंदर घुस जाएगा इसलिए इन्होंने बंद कर दिया है। तो अभी चलते हैं और कहीं घूमते देखते हैं। ये जहाज तो हमने देख लिया, हमारे जैकबाद में भी है त्रिकुंडे पार्क में। तो गाइस यहाँ पे हद से ज्यादा जो है दुकानें बंद हैं, ईद का दिन है और सारी दुकानें भी उन्होंने बंद की हैं। हमारे शहर में जो है खुली होती हैं, यहाँ बंद हैं, पता नहीं क्या सीन है यहाँ का। यहाँ पे हद से ज्यादा बंद है, ठीक है ना। ये अभी थोड़ी सी ये खुली हुई है, ये पीछे सारी बंद है। तो गाइस यहाँ पे अभी हमने पीछे एक दुकान खोली थी, वहाँ से बोतल लिए, तो यहाँ पे और दुकानें सारी बंद है। ये खुली वाला खुला हुआ है अभी और ये होटल वगैरह यहाँ पे खुला हुआ है। तो गाइस अभी चलते हैं बस घर, फिर चलेंगे पार्क तो आपको भी दिखाएंगे, ठीक है। A few moments later. तो गाइस अभी हम आ गए हैं पार्क पे, ये आप देख सकते हैं। तो अभी अंदर चलते हैं। तो गाइस ये भी यहाँ पे झूले हैं और ये गोल ऐसे रिवॉल्व करता है ये झूला। यहाँ पे चार बंदे बैठ सकते हैं, तो ये वाले भी हैं। और अभी हम आगे जा रहे हैं वहाँ पे सामने झूले खाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे ये स्लाइड है और ये सारी स्लाइड्स यहाँ पर हैं। ये भी झूले हैं, ये वाले नीचे ऊपर होते हैं, ये वाले वो वाले झूले हैं और ये गोल ये भी झूला है। तो यहाँ पे आगे भी हैं, देखते हैं हम किसी पर बैठते हैं। चलो 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 ये देखिए अभी ये तला स्लाइड से उतर है गिर गया। अभी ये बच्चा और उतर है। अभी मन सब अभी जा फिर से जा। मन सब है, मन सब ये डर रहे हैं, मन सब अभी नहीं आ रहा है ये वापस जा रहे हैं ये डर रहा है, अभी नहीं आ रहा है। मैं नहीं चल सकता, ये छोटी है इसलिए छोटी नहीं है बस क्यों जाएगी। ये पहले से ही टूटी हुई है यहाँ से। तो भी ये और एक इलाका है, तो गाइस अभी रिश्का आ गया है हमारा,
खुद ही हम जा रहे हैं वापस जेकाबाद, ठीक है? तो जेकाबाद चल के फिर आपसे मिलते हैं वहीं पर। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ जेकाबाद, तो अभी मैं बाइक पे हूँ तो अभी जा रहा हूँ अलबेग खाने, ठीक है? तो ये तलाव और मनसा भी मेरे साथ हैं, ईद के पहले दिन भी ये साथ थे, आज दूसरा दिन है, आज भी साथ है, ठीक है ना? तो शिकारपुर में इतना मज़ा हमें नहीं आया, तो इसलिए अलबेग रहता था हमारा, वो खाएंगे आज, ठीक है ना? तो अभी चलते हैं अलबेग, तो सीधा अलबेग पे आपसे मिलते हैं, ठीक है? तो गाइस अभी हम अलबेग पहुंच चुके हैं। तो गाइस अभी हम अलबेग पे गए थे जैसे कि आपने देखा, तो हम अभी आ गए हैं वापस घर। तो मैं आपसे माजरत चाहूँगा, मैंने आपको जो है वहाँ पे खाना नहीं दिखाया, वो मैं दिखा नहीं पाया, मजबूरी थी क्योंकि मेरी जो है मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, ज़ीरो हो गई थी, तो मैंने आपको दिखाया नहीं। तो चलो बता देता हूँ मुँह से, ठीक है? तो हमने वहाँ पे एक जिंगर बर्गर ऑर्डर किया, एक चिकन रोल पराठा ऑर्डर किया और दो नगेट्स फ्राइज एंड मलाई बोटी ऑर्डर की, ठीक है? दो चपाती के साथ। तो इतना सब हमने ऑर्डर किया, तो वहाँ पे बैठ के हमने खाया। तो मैं आपको उनमें से भी बताता हूँ कि मतलब क्या क्या चीज़ें अच्छी थी, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मतलब मज़ेदार नहीं थी। तो मैं पहले इससे पूछते हैं इसको कैसा लगा, ठीक है? मनसब को, मनसब तुम बताओ यार कैसा लगा तुम्हें? बहुत गंदा, काम का पैसे भरे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये बोल रहा है मुझे अच्छा नहीं लगा। तो तुम कितने कितने रेट करोगे स्टार्स उनको, अलबेग वालों को, ठीक है? मैं करूंगा कम से कम 3। 3 स्टार 10 में से? ये 10 में से 3 कर रहा है, मैं भी 10 में से 4 करता हूँ, ठीक है ना? इतना ज़्यादा मतलब उनका सिटिंग अरेंजमेंट तो मतलब क्या कहते हैं वो अच्छा नहीं था, लेकिन खाना इनका अच्छा था, बर्गर भी अच्छा था, जिंगर बर्गर अच्छा था, उनका जो है मलाई बोटी भी वो मतलब सही थी, वो एवरेज थी, ठीक है ना? वो भी एवरेज थी और जिंगर बर्गर भी सही था, तो चिकन पराठा रोल भी सही था। लेकिन इनसे एक शिकायत है, इनकी जो फ्राइज है वो ना बिल्कुल कच्ची थी, वो इंतहाई मतलब क्या कहते हैं उसका जायका भी नहीं था, वो मसाले वगैरह उसमें नहीं लगे हुए थे, उस पर बेसन लगा था वो भी कच्चा था। तो वैसे भी उनकी जो है ईद का दूसरा दिन है, कल ही ओपनिंग हुई है, वो तो मतलब क्या कहते हैं जल्दी में थे या ऐसे मतलब रश भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन अरेंजमेंट इसलिए अच्छा नहीं था, ईद का दूसरा दिन है बहुत ज़्यादा मतलब रश हो जाती है। तो मेरे ख्याल से उनके जो हैं बोर्चिस वगैरह जो हैं उन्होंने अच्छे तरीके से मतलब उसको कुक फ्राई नहीं कर पाए थे फ्राइज को। तो कभी और कभी चलेंगे, ठीक है ना, अलबेग पे, तो फिर आपको सारा खाना वगैरह भी दिखाऊंगा। तो अभी यहीं पर करते हैं व्लॉग का एंड, तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और आप सबको ईद का दूसरा दिन मुबारक हो, और मैं पहले दिन आपको मुबारक नहीं दे पाया था तो सॉरी। तो आज आप ईद के पहले दिन की मुबारक और दूसरे दिन की मुबारक, ठीक है? तो कल का जो है ईद का तीसरा दिन होगा, तो उसका भी व्लॉग बनाएंगे, उसकी भी आपको मुबारक पहले ही दे देता हूँ, एडवांस ईद मुबारक, ठीक है? तो अभी यहीं पर करते हैं व्लॉग का एंड, तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और अभी आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको व्लॉग ये वाला कैसा लगा, आपको शिकारपुर के झूले वगैरह भी दिखाया, ठीक है ना, पार्क वाले, तो आप मुझे वो भी बताएं कमेंट में आपको वो भी कैसे लगे। तो अभी मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।